पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि यू नो सब लोग सेफ रहे। आई न्यू इट कि तो वहाँ पे खा के आएगी। मामा को शटा बोल रही है। देखो गाइस देखो, कुछ दिनों से मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। मामा ही इज पैकिंग ओनली। अरे वड़ा पाव विदाउट चटनी कौन खाता है क्या? अरे घर जाके मैं भूखा मारा हूँ तेरे चक्कर में, और 1 घंटा लेटा होने वाला हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है। और अच्छा मैंने इनोवा के सामने लेके गए थे, ऐसी डर गया, ऐसी गाली दी मेरे को बहन मैम माँ, और किया नहीं, एक बार भी नहीं बोला कि मेरा मामा है। चुप हो जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ लोकल ड्यूटी पे अंजलि वाले क्लाइंट के साथ, एंड गाड़ी आज है अल्टस। सुबह सुबह को गाड़ी धो के रखा है सुरेश ने। गाइस अभी बजे सुबह के 7:30 एंड मुझे क्लाइंट के पास पहुँचना है 8 बजे। फिलहाल तो टेम्परेचर बहुत बढ़िया है, मतलब क्लाइमेट अभी कुछ 27-28 डिग्री दिख रहा है। देखो 28 डिग्री दिखा रहा है गाड़ी में। एंड जैसे आप बाहर देखोगे ना, बारिश हो नहीं रही है लेकिन ऐसा लगेगा कि बारिश आने वाली है। मौसम बहुत बढ़िया है, ट्रैफिक भी नहीं मिला मुझे। ये आज की वो मैं जल्दी निकल गया हूँ इसीलिए, पता नहीं जो भी है। सो गाइस अभी बजे 7:45 एंड मैं पहुँच चुका हूँ क्लाइंट के लोकेशन पे। इनको भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैं आ गया हूँ। क्या फिलहाल तो ना मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख। आगे ना लेफ्ट साइड पर यहाँ पे एक समोसा पाव खा लूँगा एंड साथ में एक कप चाय पी लूँगा, क्योंकि सुबह को मैंने घर पे कुछ नाश्ता नहीं किया है। यहाँ पे चालू है कि बंद है, नहीं बंद है, ओह यस गाइस बंद है। कहीं और जाना पड़ेगा लगता है अब मुझे। गाइस अभी कैमरा लेके जाकर कुछ फ़ायदा है नहीं, बिकॉज ना बारिश हो सकती है एंड मैं रिस्क नहीं उठाऊँगा कैमरा के लिए, क्योंकि बारिश होगी ना तो ये इतना बड़ा कैमरा ना, इसको छुपाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो कैमरा को मैं गाड़ी में छोड़ के जा रहा हूँ और चाय या नाश्ता करके आता हूँ। ट्राई करूँगा मोबाइल से व्लॉग करने के लिए, हो पाया तो ठीक है। गाइस फिलहाल तो मुझे यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ एक भजी पाव मिला खाने के लिए। चाय का कुछ भी बंदोबस्त नहीं था। उसके बाद मैंने क्लाइंट को इन्फॉर्म किया कि मैं आ चुका हूँ नीचे एंड आपकी बिल्डिंग के बाहर हूँ, चाय मैं पीने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो ही टोल्ड मी काम कर ऊपर आ जा, साथ में कॉफ़ी पीते हैं। तो आई टोल्ड ओके फाइन सर। तो अभी मैं जा रहा हूँ उनके घर पर, गाड़ी पार्क कर लूँगा नीचे। आज पार्किंग मिल गया तो नसीब मेरे को, जो कि मिल जाएगा बिकॉज बिल्डिंग बहुत बड़ा है उनका। तो अभी हमने एंटर कर दिया उनका बिल्डिंग एंड देखो यहाँ पे ना 1+2 पार्किंग है। इसको क्या कहते हैं हम, कौन सा पार्किंग बोलते हैं इसको, जहाँ पे गाड़ी एक के ऊपर एक आती है? हाँ वो जो भी है। तो अभी आगे यहाँ पे चेक करता हूँ पार्किंग है कि नहीं। उनकी गाड़ी भी खड़ी होगी, देखो उनकी गाड़ी है। पार्किंग का थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन चल जाएगा यहाँ पे। चलो गाइस मैं जाता हूँ ऊपर क्लाइंट के पास कॉफ़ी पीने को। सो गाइस अभी बजे है 10:15 एंड अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टू थाने। थाना से भी बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं हम लोग, टेक्स्ट टू कल्याण। कल्याण से भी एक्चुअली आगे है। यहाँ पे सब वेयर हाउसेस है। तो क्लाइंट अभी गए हैं यहाँ पे अंदर उनकी फैक्ट्री में, उनको यहाँ पे काम है। तो अप्रॉक्सीमेट दोपहर के 3-3:30 बज जाएंगे। अभी मैं गाड़ी में बैठूँगा, कुछ काम है नहीं। मुझे लगा हम लोग जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि जनरली हम जब भी यहाँ पे आते ना तो यहाँ से हम लोग 2 घंटे में निकल जाते हैं। लेकिन क्लाइंट ने कहा कि आज मुझे बहुत टाइम लगेगा, मतलब पोस्ट लंच हो जाएगा तो तकरीबन 5-6 घंटा लग जाएंगे। एंड वो सोच के मैंने लैपटॉप भी नहीं लाया। लैपटॉप लाया होता तो शायद मैं कुछ काम कर लेता था। लेकिन अभी मैं यहाँ पे बैठ के ना गाड़ी में जितने भी कमेंट्स आए हैं मेरे को यूट्यूब पर एंड इंस्टाग्राम पे, मैं सबको रिप्लाई देने की ट्राई करूँगा एंड जितना होगा आज का आज ये सारा मैं चीज़ फिनिश कर दूँगा। सो गाइस अभी बजे 1:30 एंड एक्चुअली ना गाड़ी में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा काम हो चुका है मेरा। बहुत लोगों को मैंने रिप्लाई कर दिया है यूट्यूब पे, लेकिन हाँ बहुत पसीना हो रहा है। मौसम बहुत बढ़िया है, धूप नहीं है तो एसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैंने गाड़ी में एक्चुअली 500 का डीजल भी भर दिया था, क्योंकि बीच बीच में ना ऐसा लग रहा था मुझे कि शायद धूप आ जाए बारिश ना हो तो एसी करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं है। गाइस कार के सीट कवर्स है ना, ये देखो ये कंपनी के सीट कवर्स है एंड ये जो है ना ये मैंने चेंज करवाए थे नीचे के। कंपनी के अभी तक चल रहे हैं, थोड़े थोड़े जगह पे ख़राब हो चुका है। सोच रहा हूँ गाड़ी के सारे सीट कवर है ना चेंज करा दो, एकदम बढ़िया सा बना दो। गाइस एक्चुअली आराम करता गाड़ी में अभी एंड दोपहर के बजे 2:30। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो बारिश शुरू हो चुकी है। कैमरा एक्चुअली बाहर नहीं लेकर सकता हूँ ज़्यादा, हल्की फुल्की बारिश चालू हो गई है। ये देखो गाड़ी भी गीली हो रही है। फटाफट विंडो बंद करते हैं। बस यही चाहिए था थोड़ी बारिश हो जाए यार। गाइस सबको रिप्लाई देते देते ना मेरा बैटरी सिर्फ 9 या 7% हो चुका है। अभी इसको भी रखता हूँ चार्जिंग पे। गाइस ये देखो बारिश अभी भी हो रही है। अभी बजे 3:30 सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, मतलब मैंने सिर्फ जो समोसा पाव खाया था वो और सर के घर पे जो कॉफ़ी पिया था वो। बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सोच रहा हूँ जाके कुछ खा के आओ, लेकिन यहाँ से बाहर जाने में ना बहुत टाइम लगता है यार। मतलब यहाँ से हाईवे पकड़ते पकड़ते अप्रॉक्सीमेट मुझे 20 मिनट लग जाएगा। एंड समझो अगर फिर क्लाइंट आ गया और बोला कि भाई क्या पे है तो बारिश हो रही है, मैं रुका हूँ तेरे लिए, तो वापस दिक्कत हो जाएगी, वापस मुझे सब छोड़ के वापस आना पड़ेगा। बट आई एम वेटिंग कि क्लाइंट आ जाए यार, मैं जल्दी उनको ड्रॉप करूँ एंड फिर अपने घर पे जाकर खाना खा लूँ। गाइस बहुत मन कर रहा है कि मैं बाहर जाऊँ एंड बाहर से व्लॉगिंग करूँ, आपको बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। बट क्या है ना, हल्की फुल्की बारिश अभी भी हो रही है एंड कैमरा को बाहर लेके जाना मैं बहुत डर लगता है। इतना महंगा कैमरा है, इतना महंगा माइक है, मतलब पूरा सेटअप खराब हो जाएगा अगर बारिश में कुछ गया तो। बट ठीक है, एक बार चांस लेते हैं। सो गाइस फाइनली इतना मस्त लग रहा है ना, मतलब गाड़ी में तो घुटन सी हो रही थी। खुले में आके देखना ये सब आपको दिखाता हूँ। ये रही आपकी अल्टिस, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी पार्क है, सब लोग यहीं पे आए हैं, मतलब फैक्ट्रीज में। यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है, क्लाइंट गए हैं वो सामने वाली फैक्ट्री में। पहले कैमरा को क्लीन करना पड़ेगा उसको, नहीं तो फिर है ना बहुत दिक्कत हो जाएगी, कहीं पानी ना घुस जाएगी बटन में, तो उसको पहले क्लीन करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं क्लाइंट कभी आते हैं। सो गाइस क्लाइंट का फ़ोन आ चुका है, पिकअप कर रहा हूँ एंड फिर हम लोग निकल रहे हैं। देखते हैं अभी कुछ खाने के लिए जाएगा कि नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो क्लाइंट कुछ खाएगी, बिकॉज ये अंधेरी वाला क्लाइंट नहीं है। ये अंधेरी में जो हम लोग गए थे गुड़गांव एक्चुअली, जिनके घर पर इनोग्रेशन था, तो वो आए हैं मुंबई, तो उनको लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। तो लेट्स सी अभी क्या प्लान बनता है। गाइस क्लाइंट को जस्ट ड्रॉप किया हूँ एंड अभी बजे 5:35, अभी जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं सांता क्रूज, ये देखो ये बिल्डिंग है, बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग है, मस्त, मतलब इतना वेल मेंटेन बिल्डिंग है ना, सोच रहा हूँ मैं भी यहीं पे शिफ्ट हो जाऊँ। यहाँ पे देखो अंदर एंड टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, सब कुछ है। ये आगे सामने गार्डन है, जीप क्या, ये देखो सामने ये एक्टिवा पे जो बंदा जा रहा है ना वो हैंडीकैप है, मतलब देखो उसके लेफ्ट लेग में थोड़ा ऐसा इशू है एंड इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं, मतलब यार कितना रिस्क उठा रहा है, प्लस हेलमेट नहीं, कुछ भी नहीं, जो कि उनको समझना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अभी क्या बताओ, पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि यू नो सब लोग सेफ रहे। उन्होंने अभी नया कानून चालू कर दिया है मुंबई में, स्पेशली मतलब महाराष्ट्र में आई गेस, कि आपको राइडर एंड पिलियन दोनों को हेलमेट कंपलसरी होना चाहिए। बट देखो कुछ नहीं है, देखो सब अपने मन से कर रहे हैं। तो गाइस देखो अभी हम लोग है T2 एयरपोर्ट के वहाँ पे, ये लेफ्ट में आप देख सकते हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एंड यहाँ से हम लोग ले रहे हैं अभी एग्जिट, क्योंकि नीचे से भी रास्ता है जाने के लिए टू द हाईवे, बट वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जाम लगता है। मुंबई के पोर्टल्स तो है ही है, प्लस जो ट्रैफिक है वो अलग, बहुत टाइम लग जाता है। एंड मैं सांता क्रूज क्यों जा रहा हूँ उसका भी अभी आपको रीज़न पता चल जाएगा। ये जा रही है रेंज रोवर, इतनी लाइट मारी थी मेरे को पता नहीं यहाँ पे क्या करेगा ओवरटेक करके भी। ये देखो करोड़ों की गाड़ी है और इतना लेफ्ट में दबा के जा रहा है ये भाई, अभी फुल राइट में है, ना सिग्नल लाइट ना कुछ। अब वापस लेफ्ट मार कर देखना। सो गाइस द रीज़न आई एम गोइंग टू सांता क्रूज राइट नाउ इज के किया, मतलब यश की बहन, मेरी भांजी, वो भी आ रही है टू बोरीवली मेरे साथ। तो उसका फ़ोन आया था सुबह को कि मामा मुझे आज आना बोरीवली, तो क्या आप इस तरफ आने वाले हो? तो आई टोल्ड कि मैं एक्चुअली ऑल द वे टू सांता क्रूज तो नहीं आ रहा हूँ, बट आई एम कमिंग टू अंधेरी, तो चल मैं तुझे पिकअप ही कर लूँगा। अभी हम आ चुके हैं सांता क्रूज हाईवे पे, यहाँ पे आप देख सकते हो ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, बट ऑपोजिट रोड पे ना, मतलब वहाँ से जब जो गाड़ी आती है ना वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने वाला है। अभी किया को पिकअप करने के बाद है ना मुझे इतना ट्रैफिक झेलना है ना। गाइस बादल देखो इतना, मतलब इतना ब्लैकआउट हो चुका है ना, ऐसा लग रहा है अभी ज़ोर से बारिश होगी, और जो बारिश हो गई ना तो किया तो पूरी भीगने वाली है, और वो भीग गई ना तो मेरी वाट लगेगी। क्या हुआ? तो गाइस फाइनली क्या आ चुकी है। मेरे वड़ा पाव निकल चल फटाफट। अभी भूख लगी है क्या? मेरे को कुछ खाया नहीं मामा ने सुबह से। हाँ, और बेल पेन ले क्या प्लीज। हाँ, आई वांट चटनी। विदाउट चटनी मैं नहीं खाऊंगा। अरे वड़ा पाव विदाउट चटनी कौन खाता है क्या? अरे घर जाके मैं भूखा मारा हूँ तेरे चक्कर में, और 1 घंटा लेटा होने वाला हूँ। ये क्या क्या यार, तूने 3 बोला था, 4 कैसे आ गया? एक मेरा है ना। अच्छा तू भी खाने वाली हो क्या? ये दो वड़ा पाव खा के मज़ा आ गया। आप मुंबई आते हो और वड़ा पाव नहीं खाओ तो चलता नहीं ऐसा। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, मुंबई कर हूँ, तो भाई वड़ा पाव तो बनता ही है। एंड अभी 1 वड़ा पाव खाया हो और 2 वड़ा पाव बाकी है। प्लस किया भी गई है वहाँ पे अंदर शॉप में टू गेट साबूदाना का वड़ा। गैस आधा घंटा हो गया, अभी तक वो पैक करवा रही है। उसको मैंने 2 बार बोला कि तू जा काउंटर पे और बोल कि भाई पार्सल कहाँ पे है, लेकिन बोलती है मामा ही इज पैकिंग ओनली। अभी तक पता नहीं ख़त्म नहीं हुआ उसका। पीछे रख उसको। क्या लगा क्या ये ची किया वाटर डर्टी गर्ल यू आर। ओह माय गॉड, आई न्यू इट कि तू वहाँ पे खा के आएगी। मामा को शटा बोल रही है। देखो गाइस देखो, इससे लगा लूं। खा ले भाई, ऐसे चाट ले। हो गया? टिश्यू दे दो ना। टिश्यू। तो गाइस अभी बचे शाम के 6:50। मैंने तो 3 और 3 वड़ा पाव खा लिया भाई, जो भूख लगी थी। थैंक यू क्या, जो कि तू लाई नहीं है क्या? यश लेके आया होगा फॉर श्योर। यू गॉट इट, ओके थैंक यू सो मच। एंड देखो गाइस अभी जाने में इतना ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन आने पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक है। कुछ तो रहेगा, कुछ गाड़ी बाड़ी ख़राब हो गई होगी पीछे। क्या आज तक मतलब ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि तू अकेली आ रही है घर पे नानी के? क्यों सच्ची बोल। नहीं सच्ची नहीं। नहीं कुछ तो हुआ होगा, मम्मी ने घर से निकाल दिया तो। सच्ची बोल। नहीं तो आज तक तुझे किसी याद तो आई नहीं नानी की, मामा की, स्कूबी की। अचानक क्यों? ऐसे ही। सच्ची बोल। अरे सही है। नहीं। हाँ। और तू बार-बार शटअप क्यों बोलती है मेरे को? मज़ा आती है। मामा को शटअप बोलने में मज़ा आता है। अरे तुम लोग कभी भी अपने मामा को शटअप मत बोलना, सीखना मत ये सब किया से। चलो किया तो चलो शटअप बोलती है मामा उसका, उसकी दोस्त तो डायरेक्ट गाली देती है BC। क्यों क्या हुआ था? क्या बोल जरा। मामा का ड्राइविंग नहीं आती बोलना। एक बार है ना मैं किया के घर से बाहर निकल रहा था, मैं और यश गाड़ी में थे इनोवा में, तो किया और उसकी फ्रेंड मस्त जॉगिंग करके सामने से आ रहे थे। तो क्या वॉक ना हमारे वॉक करते और सामने से कुछ फ्रैंकी खा के भी आ रहे थे, और अचानक मैंने इनोवा के सामने लेके गए थे। ऐसी डर गया, ऐसी गाली दी मेरे को बहन मैम माँ, और किया ने एक बार भी नहीं बोला कि मेरा मामा है। चुप हो जाए। अरे मैंने नहीं देखा था, तूने देखा नहीं कितनी बड़ी गाड़ी आ रही, तेरा भाई बैठा अंदर, मामा बैठा है, ध्यान नहीं था। नहीं। Hi Scooby, where's Kia? What happened? यार बहुत ज़्यादा भूख लगी है यार। 3 वड़ा पाव मेरा कुछ नहीं होने वाला है। ये लाया हूँ मैं साबूदाना का वड़ा, फिलहाल तो अभी ये खाने वाला हूँ। एंड सुबह को क्या वेफर का पैकेट मंगवाया था। अभी फटाफट मम्मी के साथ एंड किया के साथ नाश्ता कर लेता हूँ, मतलब खाना खा लेता हूँ, डिनर कर लेता हूँ एंड फिर एडिटिंग। तो गाइस फाइनली डिनर सब हो चुका है। एंड अभी आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग। एक्चुअली है ना मेरी हेल्थ को लेके कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस करनी थी, जो मुझे शेयर करनी थी आपसे। कुछ दिनों से मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, तो इसके बारे में मैं एक्चुअली आज के व्लॉग में बताने वाला था, लेकिन मुझे टाइम मिला नहीं और मैं भूल भी गया बताने के लिए। तो एक काम करते हैं, आज व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। एंड कल का व्लॉग में मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करके, मतलब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था एंड डॉक्टर ने क्या बोला है। ये बस कर PUBG खेलने आई थी क्या इधर? हाँ PUBG खेलने आई थी तो अच्छा तेरा आईडी देना सब लोग को, जो लोग खेल रहे हैं वो भी खेलेंगे क्या? तो चलो गाइस आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल दैट टाइम पीस।